हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी आज शादी का दिन है, आज के दिन है शादी। और अभी मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की है सुबह के टाइम से। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और वहाँ पर जाने की फिर से हो रही है तैयारी, क्योंकि आज बहुत सारे काम है कि पानी लाना होता है चिल्लर का और उसके बाद भात भी लिया जाता है। तो यही सारी तैयारी आज पूरा दिन पीछे रहने वाला है और शाम के टाइम फिर बारात आ जाएगी। तो बस अभी हम पहले भात की तैयारी कर रहे हैं, भात लिया जाएगा और अभी बस नहाना धोना हमारा सर हो गया, तैयार हो चुके हैं हम और अभी हम जाने वाले हैं। और ये देखिए हम आ चुके हैं। ये लड़की की मेहंदी जो कुछ खास नहीं रची है और अच्छी भी नहीं लगाई थी पार्लर वाली ने, वही मैं देख रही थी लड़की की मेहंदी की कैसी रची है। तो ये देखिए ऐसी अभी को सिंपल ही लगाई है, कुछ भी जैसे दुल्हन की मेहंदी होती है वैसे नहीं लगाई थी। तो वही मैं अभी हम आ गए हैं और अभी खाना खाएंगे। पहले खाना खाने के बाद भात लिया जाता है, भात ही आ चुके हैं। तो बस अभी पहले उनका नाश्ता वगैरह करवा के उनको, उसके बाद फिर हम भात लेंगे। खाना पीना चल रहा है, खाना हलवाई से ही बनवा रखा है। तो बस सब खाना खाएंगे उसके बाद जाएंगे। और ये देखिए ये लड़के की ये सैंडल लहंगे के साथ के जो वहाँ से नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें नाप का नहीं पता था तो यहीं से लेके आए हैं। पैसे उन्होंने भिजवा दिए थे। तो रेड कलर का लहंगा है लड़की का और ये उनके साथ के ये वाले सैंडल लेके आए हैं हम। तो बता रहे कैसे लग रहे हैं। और खाना पीना हो गया आके अभी भात लेने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर अभी और भी काम रह रहा है, तेल भी उतरना है लड़की का और जो मामा ही पटरे पे से उतारते हैं। उसके बाद फिर लड़की पार्लर भी जाने वाली है 4 बजे, तो उससे पहले ही हमें सारे काम करने हैं। और ये भात ही आ चुके हैं। ये देखिए उसने अपने लड्डू गोपाल लेके चाहे हम भात नोट में करे थे, तो मैंने आपको दिखाई दें उनके आगे लड्डू गोपाल के सभी के पास हैं, उनके पास सबने ला रखे हैं। तो बस भात लेने की रस्म शुरू हो गई है। और हमारी जेठानी की भाभी हैं सबसे बड़ी, सबसे पहले इन्होंने लड्डू गोपाल को ही टीका करवाया था, उसके बाद फिर सबके हुआ था एक एक करके। तो भात में उतने की रस्म शुरू कर दी है अभी। और एक एक करके जितने भी भाई होते हैं, भतीजे भाभी सब चढ़ते हैं पटरे पे और बहन उसको टीका करती है। उसके बाद उनको एक गोला और 4 लड्डू दिए जाते हैं। और ये इनके बड़े भाई हैं, इनकी तबीयत खराब रहती है, तबीयत खराब है, पैरालाइज हो चुके हैं ये उस कोरोना के, जब कोरोना चला था इनकी तबीयत खराब थी तब से ही ये अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। तो बस ये सारे इनके भाई हैं और ये भाभी हैं, सब एक एक करके आएंगे पटरे पे। और जो अपने देवरानी जिठाने के भाई होते हैं वो भी आते हैं और भात देते हैं। तो मेरे भाई भी आया हुआ है और सब हम 3-4 जो हैं सभी के भाई आएंगे और पटरे।
और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी इस टाइम पे। ढोल वाले हमने बुला रखे थे बात लेने की, तो सब यहाँ पे चाय पानी नाश्ता वगैरह करवा रहे थे। और अभी थोड़ा बहुत नाच गाना होगा। बात लिया जाता है ढोल बाजे के साथ, ढोल बजवाए जाते हैं उसके बाद ही बात लिया जाता है। और फिर सबका अपना नाचना गाना चल रहा था, भाती वगैरह सब नाच चुके थे। और ये हमारा है जब मैं ज़्यादा इतनी वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे कुछ काम था। और इसके बाद फिर फ़ोन भी ये किसी और के फ़ोन से वीडियो थी, मेरे फ़ोन तो पता नहीं घर पर ही रह गया था शायद। तो बस अभी नाच गाना चल रहा है अच्छे से। अभी एक रस्म और रह रही है जो होने वाली है, छिलर का पानी लाते हैं जिससे दुल्हन नहलाई जाती है। दुल्हन को नहलाते हैं शाम के टाइम, अभी जो तेल उतारेंगे तेल चढ़ाते हैं जैसे, तो उसके बाद तेल उतारते हैं आज के दिन शादी वाले दिन। और मामा फिर पटरे पे से उतारता है लड़की को, और उसके बाद फिर लड़की जाती है पार्लर, तो वही रस्म होगी। तो अभी वो पानी नहीं आया, पानी लेके आएंगे छिल्लर का। और ये बात लेने के बाद, क्योंकि अभी ज़्यादा बहुत ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और वो मंदिर से जाके लाना होता है सबके साथ, वो भी ढोल के साथ ही लाएंगे जाके। तो बस अभी पहले बात के ये प्रोग्राम ख़त्म कर दिया अपना काम, ये भी एक काम ही था। और उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं, अभी तो पानी लेके आना है, उसके बाद लड़की का तेल उतारना है, और उसके बाद फिर लड़की को पार्लर भेजना है। काफ़ी सारे काम हैं, आज का दिन पूरा बिजी रहने वाला है। और बस ये था भात वाली रस्म थी। इसके बाद की जो रस्म है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और भी यही इतनी बड़ी हो गई है, और इससे ज़्यादा लंबी 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो अभी मैं नहीं डालती हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डालती हूँ। तो जो पानी लाने की रस्म है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, और शायद क्या पता बारात के भी मैं उसी में कर दूँ शेयर। तो बस इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूंगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय।